आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिमन्यू आई एस एंड हमारा एक जो न्यू इनिशियटिव हम आपके लिए लेके आए हैं अभ्यास o, सब में आपका जो है स्वागत है राइट right? सो so, अभ्यास टू पॉइंट ओ एक ऐसी सीरीज है, एक डेडिकेटेड सीरीज है जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं फॉर द एच सी एस एग्जाम सो एच सी एस एग्जाम्स के लिए हम आपके लिए रेगुलर सेशन लेके आते हैं एंड आज मैं जो आपके लिए सेशन लेके आई हूँ वो सेशन है हमारा करंट अफेयर्स के ऊपर राइट right? सो माई नेम इज़ दीपाली काकर राइट फैकल्टी एंड मैंने जो आपके लिए आज ये सेशन लाया है ठीक है इससे पहले भी दो सेशन में करंट अफेयर के ऊपर आपके लिए लेके आई थी बहुत ही अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहा है सो so ऐसे ही हमारी वीडियोज़ को लाइक करते रहिए शेयर करते रहिए और अपना जो एच सी एस एग्जाम के परस्पेक्टिव से है रिविजन करते रहिए ठीक है जी सो so अगेन क्या है पी को टारगेट करेंगे पी में जो हमारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं ठीक है थीके? जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स आए हैं उनमें से जो क्वेश्चन बनते हैं हम उनको टारगेट कर रहे हैं ठीक है जी एंड एक चीज़ मैं बोलूंगी कि स्कीम्स लास्ट टाइम एग्जाम में एच सी में स्कीम्स भर भर के आई थी ठीक है तो ये कुछ स्कीम्स थी जो मुझे लगा कि अभी इस सेशन में हमें आज कवर करनी है अक्टूबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स थी जो कहीं ना कहीं पी के न्यूज़ में रही थी उन सबको भी आज के सेशन में हम कवर करेंगे तो सेशन को ध्यान से सुनिए राइट इन साथ के साथ अटेम्प्ट करते हुए चलिए कि कितने क्वेश्चन आप जो है खुद से कर पा रहे हैं क्लियर सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री मंत्री मातृ वंदना योजना ठीक है so, सो प्रधानमंत्री मातृवंदना जो योजना है इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है फर्स्ट इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विथ 60-40 रेशो, मतलब की 60 परसेंट फंड जो है वो कौन लगा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 40 परसेंट रिस्पेक्टिव स्टेट राइट right? दूसरी इट कैश इंसेंटिव ऑफ प्रोवाइडिड इन थ्री इंस्टॉलमेंट टू द वुमेन एंड द मदर्स फॉर द लाइव बर्थ ठीक है एक चीज लिखी गई है लाइव बर्थ के लिए ही जो है ये दी जाती है यहाँ पे ये मैंशन किया गया है थर्ड इट इज इंप्लीमेंटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड डी स्टेटमेंट बोल रही है कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो ए एंड बी करेक्ट है राइट right? तो स्कीम को लेके कुछ जो है हमें टर्म्स ध्यान में रखनी है जैसे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंटर सेक्टर अगर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो मतलब वो स्कीम जो है वो कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी ठीक है बट अगर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो मतलब कुछ रेशो फिक्स रहेगा बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर और उस प्रोपोर्शन में जो है वो दोनों मिलके जो है उस स्कीम का खर्चा उठाएंगे इन ले बैन लैंग्वेज क्लियर दूसरी ठीक है दूसरी स्टेटमेंट में हमें क्या एक चीज़ इंपॉर्टेंट मिली लाइव बर्थ ठीक है तो बोला जा रहा है कि क्या ये एक लाइव बर्थ के बाद ठीक है सिर्फ फर्स्ट लाइव बर्थ मतलब जिसमें जो है जो चाइल्ड है वो सरवाइव करेगा ठीक है सो कई कई बार क्या होता है स्टिल बर्थ बोलते हैं या फिर मिस कैरेज मतलब जिसमें जो बेबी है वो सरवाइव नहीं करता है ठीक है तो क्या उस केस में भी इसका इंसेंटिव मिलेगा या नहीं ठीक है तो इसलिए ऐसे कुछ टर्म्स स्कीम को लेकर हमने ध्यान में रखनी है तो फर्स्ट में बोला गया है कि प्रोपोर्शन रहेगा तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है क्या ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है यस इट इज़ एक्यूरेट ठीक है ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें सिक्सटी परसेंट जो है गवर्नमेंट राइट right, वो इसके फंड्स जो है एलोकेट uh, कर रही है एंड सेवेंटी परसेंट जो है वो फोर्टी परसेंट uh, जो है वो स्टेट गवर्नमेंट कर रही हैं क्लियर सेकेंड स्टेटमेंट भी इसका बिल्कुल करेक्ट है फाइव थाउजेंड जो है इंसेंटिव देने की बात की जा रही है थ्री इंस्टॉलमेंट्स में फर्स्ट होगा जब ठीक है जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी वन थाउजेंड दिया जाएगा ठीक है व्हेन रजिस्ट्रेशन होगी एट द आंगनबाड़ी सेंटर्स राइट दूसरी इंस्टॉलमेंट दो हजार की जो दी जाएगी आफ्टर सिक्स मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी क्लियर एंड जो फाइनल थर्ड इंस्टॉलमेंट है टू की वो दी जाएगी आफ्टर द चाइल्ड बर्थ दैट इज द लाइव बर्थ ठीक है सिर्फ फर्स्ट बर्थ के टाइम पर दी जाएगी ऐसा नहीं है कि जितने भी चिल्ड्रन होंगे उनको दी जाएगी क्लियर तो सिर्फ फर्स्ट लाइव बर्थ के टाइम पे जो है ये तीन इंस्टॉलमेंट्स में फाइव थाउजेंड रुपीज दिए जा रहे हैं ठीक है तो थर्ड इंस्टॉलमेंट कब मिलेगी जब बेसिक वैक्सीनेशन जो है चिल्ड्रन चाइल्ड की हो जाएंगी अलोंग विद द रजिस्ट्रेशन क्लियर तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है थर्ड इनकरेक्ट है ठीक है जी इसको आंसर क्या हो गया डी बोथ ए एंड बी थर्ड इनकरेक्ट क्यों है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ है फैमिली एंड जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नहीं बल्कि वुमेन एंड जो चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो इम्प्लीमेंट करती है राइट सो इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डिवेल्पमेंट एंड इट इज़ अ कंडिशनल कैश ट्रांसफर राइट सो कंडिशनल कैश ट्रांसफर कैसे है फर्स्ट हो गया जब रजिस्ट्रेशन सेकेंड जो आफ्टर सिक्स मंथ मिलेगी ठीक है तो आफ्टर द एंटी नेटल चेकअप जो हो जाएगा ठीक है आफ्टर द सिक्स मंथस ऑफ प्रेग्नेंसी एंटी नेटल चेकअप जब हो जाएगा उसकी रिपोर्ट सबमिट होगी तभी जो है सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिलेगी एंड थर्ड भी कैश ट्रांसफर कब होगा जब चाइल्ड जो है ठीक है उसका बर्थ हो गया रजिस्ट्रेशन होगी बेसिक वैक्सीनेशन हो गई तब ठीक है सो so, टू द प्रेगनेंट एंड द लेक्टेटिंग वुमेन ऑफ 19 ईयर्स ऑफ एज और अबव ठीक है तो बिलो 19 को ये स्कीम नहीं दे रही है तो कहीं ना कहीं क्या चीज़ को टारगेट है देखिए स्कीम एक है काफी सारे एम्स को ये टारगेट है फर्स्ट ठीक है मेटर्नल बेनिफिट है मतलब कि कंपनसेशन देनी है फॉर द वेज लॉस क्योंकि प्रेग्नेंसी के टाइम पर जरूरी नहीं है कि हर एक मदर जो है वो वर्क कर पाए राइट सो so, अगर उनको कोई वेज लॉस हो रहा है तो कैश इंसेंटिव के टाइम पे उनको दिया जा रहा है सो so दैट वो अपना वेज लॉस कवर कर सके या फिर मिनिमम कुछ जो है वो को एक ऐसा इंसेंटिव दे दिया जा रहा है सो so दैट वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख सके राइट सो फर्स्ट क्या हो गया कि उनकी जो है 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 हेल्थ के के लिए दिया जा रहा है, के लिए दिया 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 जा जा रहा रहा वेज लॉस बट एक हिडन देखिए से अबव को ही दिया जाएगा सो so गवर्नमेंट क्या है वो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि जो एज uh, है टू मदर बनने की ठीक है तो अगर कहीं ना कहीं अंडर एज मैरिजेस हो भी रही हैं तो जो वुमेन है ठीक है वो मदरहुड को थोड़ा डिले करें क्योंकि सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड बर्थ पे ही मिलेगा ठीक है तो उसके लिए इसको जो एज क्राइटेरिया है नाइन्टी एंड अबव रखा गया है अब इसमें एक और भी है टर्म कि इन केस ठीक है क्या होता है कभी मिस कैरेज हो गया तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिल गई थी तो सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो सेकंड चाइल्ड बर्थ के टाइम पे आप ले सकते हैं ठीक है जो सिक्स मंथ के बाद आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलनी थी अगर वो नहीं मिली है तो ड्यूरिंग द सेकंड मंथ ठीक है वो इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी इसी तरह अगर थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो पेंडिंग है क्योंकि चाइल्ड बर्थ जो था वो स्टिल बर्थ था ठीक है लाइव बर्थ नहीं था स्टिल बर्थ था मतलब चाइल्ड सर्वाइव नहीं किया तो वो थर्ड इंस्टॉलमेंट भी नेक्स्ट टाइम जो है वो मिल जाएगी बट ओवरऑल ये जो है एक ही बार ये फाइव थाउजेंड जो है इसका बेनिफिट मिलना है इन केस कोई इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है तो वो नेक्स्ट टाइम जो है ऐसे आपको मिलेगी क्लियर सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम एंड ये अभी न्यूज़ में भी थी ठीक है अक्टूबर में इसके रिगार्डिंग कोई डाटा जो है गवर्नमेंट ने शेयर किया था ठीक है एंड एक पोर्टल भी जो है ठीक है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए एक पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है सो दैट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है उनको प्रमोट किया जा सके राइट सो so, इसलिए जो न्यूज में रही है स्कीम एंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्लियर है सो आई होप आपको कॉम्प्रिहेंसिवली ये स्कीम जो है समझ में आ गई है नेक्स्ट देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर पार्ट ऑफ द मेरी माटी मेरा देश कैंपेन ठीक है तो ये भी कैंपेन काफ़ी न्यूज में रहा था ठीक है सो so, क्या होता है कि कई बार हमें लगता है चलो बेसिक सी चीज़ है ठीक है बट उन बेसिक चीज़ों को भी अवॉइड नहीं करना है ठीक है ऐसे कॉमन करंट अफेयर को आप गलत नहीं कर सकते राइट सो so, कैंपेन देखते हैं मेरी माटी मेरा देश कैंपेन के बारे में पूछा गया है कि कौन सी एक्टिविटीज इसका पार्ट रही थी एक तो बोल रहे हैं अमृत कलश यात्रा जिसमें क्या है पूरे इंडिया में से ठीक है इनिशिएटिव किया गया है कि आउटरीच इनिशिएटिव टू कलेक्ट सॉइयल फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड इन द कंट्री तो बेसिकली पंचायत लेवल पे जो है पूरे इंडिया पे क्या इस जो अमृत कलश यात्रा में क्या है कि सॉयल कलेक्ट की जा रही है बी अमृत वाटिका जिसमें एक गार्डन है ऑफ सेवेंटी फाइव इंडिजीनियस सैपलिंग्स प्लांटेड अंडर द वसुधा वंदन थीम ठीक है वसुधा वंदन थीम के अंदर जो है एक अमृत वाटिका जो है वो बनाई जा रही है जिसमें सेवेंटी फाइव इंडिजीनियस सैपलिंग्स रहेंगी लोकल सैपलिंग्स राइट थर्ड अमृत महोत्सव मेमोरियल होगा जिसमें एक मॉन्यूमेंट तो जो भी पूरे देश भर में से स्वाइल इकट्ठी की गई है ठीक है उसको एक जगह जो है एकत्रित एक किया जाएगा एंड फिर एक जो है वाटिका बनेगी तो कौन सी स्टेटमेंट जो है मेरा अ, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन को लेकर करेक्ट है तो बी ऑल ऑफ above. ठीक है तो मेरी माटी मेरा देश कैंपेन जो है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कहीं ना कहीं क्योंकि ये अभी काफी न्यूज में था देखिए सो so ये जो नेशन वाइड कैंपेन था ठीक है अब ये लॉन्च ठीक है किया गया था इन द ऑगस्ट 2023 ठीक है टू ऑनर द रिजियस इंडिविजुअल्स राइट नॉन एज द वीर अब वीर में इंडिविजुअल्स में किनको लिया जा रहा है ठीक है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवान हो गए हमारे सोल्जर्स हो गए हमारी पुलिस पर्सनल हो गए ठीक है सो so, वो सभी जो हमारे सुरक्षा करते हैं उन सबको क्या है वीर बोला गया है जिन्होंने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है हमारी सेफ्टी के लिए ठीक है या फिर डेंजर में आकर उन्होंने अपनी जान भी दी है फॉर हमारी सेफ्टी तो उन वीरों को जो है नमन करने के लिए ये कहीं ना कहीं जो कैंपेन है लॉन्च किया गया था ठीक है इसमें क्या है आ, ये जो है ठीक है अब ये अमृत महोत्सव ठीक है अमृत महोत्सव कब शुरू हुआ मार्च ट्वेंटी वन में तो उसको खत्म करने का एक कैंपेन है सो so, अगर कहीं आ जाए कि मेरी माटी मेरा देश कैंपेन विद कंक्लूड द अमृत महोत्सव स्टार्टेड इन मार्च 2021 सो दिस इज अ एक्यूरेट स्टेटमेंट क्लियर हो गया तो अमृत महोत्सव को खत्म करने के लिए एक रिस्पेक्टफुली खत्म करने के लिए ये जो कैंपेन है इसमें लॉन्च किया गया है ठीक है ऑनर किसको करता है वीर को उन जवानों को जिन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया है राइट एंड एक्सटेंसिव पब्लिक एंगेजमेंट जन भागीदारी अब जन भागीदारी कैसे हो रही है ठीक है उसके लिए जो सारे एलिमेंट्स आपको पहले दिखाए गए थे क्लियर सो so, वही जन भागीदारी है जैसे कि सबसे पहले सबसे पहले क्या किया गया है देखिए ठीक है सो so, uh, हमने सबसे पहले अमृत जो वाटिका है ठीक है हमने क्या किया है सबसे पहले सॉइल कलेक्ट की है ठीक है अमृत कलश यात्रा के अंदर जो है सेवेंटी फाइव इंडिविजुअल जो है ठीक है बोला जा रहा है पंचायत लेवल पे ठीक है सेवेंटी फाइव हंड्रेड इंडिविजुअल जो है पंचायत लेवल पे सॉइल कलेक्ट करके लेके आए ठीक है? है उसके बाद अमृत वाटिका मतलब कि हर एक विलेज लेवल पे लोकल 75 फाइव सेपलिंग्स लगाई गई हैं ठीक है फिर अगेन किन को ऑनर करने के लिए उन्हीं वीरों को ऑनर करने के लिए उनके सम्मान में ठीक है उसके साथ साथ अमृत महोत्सव मेमोरियल कहाँ पे बनेगा दिल्ली में बनेगा ये जो सारी सॉइल कलेक्ट करके आएगी इसका जो कर्तव्य कर्तव्यपात दिल्ली में है हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है वहाँ पर एक न्यू जो है एक न्यू वाटिका बनेगी ठीक है फ्रॉम द सॉइल कलेक्टेड उसके साथ साथ क्या है इसमें पंच पंचपुर प्लेज भी लिया जा रहा है ठीक है पंच पंचपुर प्लेज लिया जा रहा है जिसके साथ साथ सेल्फीज अपलोड की गई हैं वसुधा थीम ठीक है जो विलेज लेवल पे 75 फाइव सेपलिंग है अंडर द वसुधा बंधन जो स्कीम है वो लगाई जा रही हैं ठीक है जी सो एंड फाइनली जो है एक मेजर अमृत वाटिका बनेगी हमारी दिल्ली में ठीक है तो डिफरेंट डिफरेंट जो है इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं एंड एक और चीज़ है शिल्प शिल्पम ठीक है शिल्प वेलकम्स मतलब कि क्या है कि ऑनर किया जा रहा है पंचायत लेवल पे जो है मेमोरियल्स ऑफ द हीरोज ऑफ द वीर जो है वो सेटअप किए जा रहे हैं उनकी फैमिलीज को या उन पर्सनल्स को जो वीर खुद हैं या उनकी फैमिलीज को जो है ऑनर किया जा रहा है राइट सो so, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन ठीक है किन चीजों को देखिए एक साथ जोड़ता है अगेन एक ऐसी स्कीम एक ऐसा कैंपेन जो कहीं ना कहीं हमारे वीरों के साथ हमें जोड़ता है हम उनको ऑनर कर रहे हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं राइट दूसरा हम क्या है इन्वायरमेंट को भी जो है साथ में लेके जोड़ लिया है क्योंकि हम ट्रीज को प्लांट कर रहे हैं एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है हमारी नेशनल यूनिटी को जो है एक रिजेंबल करने का एक बहुत अच्छा क्या बोल सकते हैं एक वे एक कैंपेन है क्योंकि सारी इंडिया से पूरी मिट्टी ला जो है एक अमृत वाटिका दिल्ली में सेटअप की जाएगी राइट सो काफी सिग्निफिक

ठीक है इस साल जो है टोटल ट्वेंटी सिक्स विलेजेस बोले जा रहे हैं जिनको इस जो बेस्ट टूरिज्म के लिए जो है चयन किया गया है ठीक है इंडिया का सिर्फ एक एक विलेज है जिसको इसमें चूज किया गया था तो काफी इंपॉर्टेंट है अगेन अक्टूबर का हमारा इंपॉर्टेंट था एंड पी एम हैज सेल्फ लॉडेड द अचीवमेंट ऑफ दिस विलेज ठीक है तो कौन सा वो विलेज है धोर दो बिला गुजरात ठीक है पंसारी पुसारी फ्रॉम द गुजरात हिवारे बाजार फ्रॉम महाराष्ट्र या फिर फ्रॉम द महाराष्ट्र ठीक है जी सो इंडिया so, का ओनली विलेज अगर लाइन आ जाए ऐसे स्टेटमेंट आ जाए द ओनली विलेज फ्रॉम इंडिया टू ग्रैव द बेस्ट राइट बेस्ट टूरिज्म विलेज अंडर दूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन वुड भी आंसर इज ए धोर द गुजरात ठीक है सो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा 2021 में इनिशिएटिव शुरू हुआ था 2023 में इंडिया का सिर्फ एक विलेज है धोर दो गुजरात रण ऑफ कच्छ में है जो कि ठीक है जिसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है ठीक है जी सो धोर दो विलेज इन गुजरात राइट ग्रेट रन ऑफ कच्छ में है नॉन फॉर द एनुअल रण उत्सव ठीक है एनुअल रण उत्सव होता है तो जो उत्सव है हमारे हम देखते हैं हमारे फेस्टिवस हैं वो कितने इंपॉर्टेंट कल्चरली सिग्निफिकेंट होते हैं हमारी फेस्टिविटीज़ को हमारे वे ऑफ लिविंग को ठीक है एक हम बोलते हैं जॉय को रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है सो ये रीजन के रिच कल्चरल हेरिटेज ट्रेडिशन आर्ट्स म्यूजिक क्राफ्ट हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट करने वाला जो एक फेस्टिव है रन ऑफ कच्छ फेस्टिवल राइट रण उत्सव सो बेस्ट टूरिज्म विलेज के अंदर जो है ठीक है जो ये अवार्ड अब इंडिया के तो दो विलेज को मिला है ठीक है अब ये जो विलेज को रिकॉग्नाइज करने का मेन नेम क्या है कंट्रीब्यूट जो भी विजेस रूरल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं लैंडस्केप को प्रिजर्व करते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी एंड कलरली ट्रेडिशंस को ठीक है तो डिफरेंट एलिमेंट्स जो हमारे कल्चर हैं ठीक है कलरली ट्रेडिशन मतलब जो हमारे फूड हम बोलते हैं ठीक है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी फोक आ रहा है हम देखते हैं गुजरात का रन ऑफ कच्छ जो उत्सव होता है उसमें म्यूजिक फोक आर्ट जो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है राइट रूरल डिवेलपमेंट हो रही है उन फेस्टिवल्स के साथ लैंडस्केप को भी साथ ही साथ प्रिजर्व किया जा रहा है डिवेल्पमेंट की होड़ में हम लैंडस्केप को

ठीक है क्यों लॉन्च की गई थी ड्यू टू द कोविड ठीक है कोविड के टाइम पे क्या था जो स्ट्रीट वेंडर से ठीक है स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम ठीक है फुल फॉर्म क्या है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्म स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर स्कीम राइट तो कोविड के टाइम पे क्या है हमने देखा कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस अगर कोई हो रहे थे तो स्ट्रीट वेंडर्स हो रहे थे इधर देट द डेंजर कि हम ठीक है अगर हो जाएगा कोविड पैंडमिक हो गया तो ठीक है बट हम जो है सड़कों में जाके अपना सामान बेचेंगे ठीक है सो so, उन सबको क्या है उस टाइम पे प्रमोट करने के लिए उनकी कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली हेल्प करने के लिए जो स्कीम है लॉन्च की गई थी पहले एम था कि ये कब तक लॉन्च की जाएगी दिसंबर ट्वेंटी टू तक जो है ये स्कीम जो है वैलिड रहेगी बट इसको जो है दिसंबर 2022 में एक्सटेंड कर दिया गया है टिल मार्च 2024 ठीक है सो so, मार्च 2024 ट्वेंटी फोर तक यह स्कीम जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है अब इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं इट इज अ स्कीम लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टू प्रोवाइड द हैंड होल्डिंग स्पोर्ट टू द स्ट्रीट वेंडर्स राइट सेकेंड

स्मॉल वेंडर को भी चाहिए जिससे वो अपना बिजनेस या अपना काम चलता रख सकता है ठीक है सो क्या बोला जा रहा है कि स्कीम में वर्किंग कैपिटल दी जाएगी कोलेटरल फ्री कोलेटरल मतलब कि कोई भी वस्तु जो है उसको आपको अपने क्या बोलते हैं लोन के लिए नहीं रखना पड़ेगा ठीक है कि Uh, ये मेरी सिक्योरिटी है ठीक है इन केस मैं लोन नहीं दे पाता तो आप इस सिक्योरिटी को बेच के जो है मेरा कर्जा उतार सकते हैं राइट तो कोई कोलेट्रल नहीं लिया जाएगा ठीक है लोन कितना दिया जा रहा है टेन थाउजेंड का विद द सब्सिक्वेंट लोन्स ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड एंड फिफ्टी थाउजेंड ठीक है तो पहले दस हज़ार का दिया जाएगा फिर बीस हज़ार फिर पचास हज़ार ठीक है दैट डिपेंड्स

क्लियर है सो so, मैं बताती हूँ आपको सिर्फ बी स्टेटमेंट जो है वो एक्यूरेटली करेक्ट है ठीक है देखिए क्यों हमारी गलत है फर्स्ट जो है ठीक है ये जो मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है ये मिनिस्ट्री हमारी कौन सी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स किसी भी स्कीम में मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कन्फ्यूजन का पॉइंट बन जाती है एंड काफी बार एग्जामिनर बस एक मिनिस्ट्री को चेंज करके स्टेटमेंट हमारी गलत कर देते हैं राइट सो so, उस चीज को ध्यान में रखिए मिनिस्ट्री जो है इसकी कौन सी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर्स राइट जो हमारी स्कीम का नाम क्या है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना ठीक है एम्पावर किसको करना है लोन देने हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है डिजिटल ट्रांजेक्शन को भी जो है बढ़ाना है क्लियर सो so, ऑफर क्या किया जाता है सेवन परसेंट इंटरेस्ट सब्सिडी पर लोन मिल जाएगा क्लियर कैशबैक कितना मिलेगा स्टेटमेंट में क्या कर था हमने लिखा वहां लिखा था 500 तक का कैशबैक राइट बट कैशबैक जो है 100 हंड्रेड पर मंथ का जो कैशबैक है वो दिया जाता है राइट एंड एनहांस नेक्स्ट ट्रांस ऑफ लोन्स एनहांस नेक्स्ट ब्रांच ऑफ लोन क्या है मतलब फर्स्ट टाइम अगर आप जाएंगे टेन थाउजेंड का लोन अब पे बैक कर दीजिए ठीक है क्रेडिबिलिटी बन गई तो नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्टेंड का भी मिल जाएगा अगेन क्रेडिबिलिटी लोन मिलेगा इंप्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी है ठीक है तो स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड द डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ठीक है तो मैंने क्या बोला था दो स्कीम होती है सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रली स्पॉन्स सेक्टर का मतलब है फुली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको फंड करती है क्लियर सो दिस इज द सेंट्रल सेक्टर स्कीम सो आई होप पी एम समा को लेकर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए एंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि टारगेट था कि 50 लैक्स ट्रीटमेंटर्स को जो है इस स्कीम के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा एंड ये टारगेट जो है अक्टूबर 2023 में अचीव हो गया है ठीक है अकॉर्डिंग टू द डाटा मोदी ने अगेन इसको भी जो है अपलोड किया था कि 15 लाख ,00 स्ट्रीट वेंडर्स तक हम जो है वो पहुंच चुके क्लियर है सो so, स्कीम्स की आई होप सारी आपको जो है टर्म्स क्लियर हो गई हैं इसी तरह से अगर आप रिवाइज करेंगे सो so, एग्जाम में यू विल बी एबल टू हैंडल द स्कीम राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब Question number 5th is which of the following component is not part of the Shreyas scheme? एक और स्कीम आ गई श्रेय स्कीम अगेन इसका डाटा अपलोड किया गया था अबाउट द बेनिफिशरीज तो स्कीम क्या होगी फिर से न्यूज में हो गई तो बोला गया है श्रेयस जो स्कीम है ठीक है इसमें कौन सा कंपोनेंट नहीं है तो श्रेयस जो स्कीम है ना ये हायर स्टडीज के लिए जो है ठीक है ये स्टूडेंट्स को प्रमोट फॉर द स्टडीज एजुकेशनल क्वालिटी स्टडीज राइट टू द डिप्राइब्ड मार्जिन सेक्शन ऑफ द जो सोसाइटी है उनके लिए प्रोवाइड की जाती है तो इनमें से कौन सा इसका कंपोनेंट नहीं है ये बताना है क्वेश्चन में नॉट करेक्ट इनकरेक्ट ये सब चीजों को बहुत ध्यान से देखिएगा ठीक है हमेशा राइट right? सो so, कौन सा नहीं है फ्री कोचिंग स्कीम फॉर द एस और ओबीसीज राइट टॉप क्लास एजुकेशन फॉर एस नेशनल ओवरसीज स्कीम फॉर द एस और नेशनल फेलोशिप फॉर द ओ स्टूडेंट्स तो इनमें से कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है ठीक है बहुत ही इसमें माइन्यूट थोड़ा सा बन जाता है बट जो गलत है हमारा वो है जी डी ऑप्शन ठीक है सो बाकी तीनों कॉम्पोनेंट्स है इस स्कीम के ठीक है थर्ड जो है वो नहीं है दिस इज अ नेशनल फेलोशिप फॉर द शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट नोट फॉर द ओबीसी स्टूडेंट क्लियर तो स्कीम के बारे में अगेन थोड़ा सा हम देखेंगे कि कौन सी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है या फिर कैसे इसके चार कंपोनेंट्स हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है हमारी दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल तो जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ठीक है और पीएम स्वानिधि का भी ध्यान रखिए कहीं क्योंकि वो स्कीम क्या है स्ट्रीट वेंडर्स के साथ लिमिटेड है तो हम सोच सकते हैं चलो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी ठीक है तो वो एक बहुत ही कंफ्यूजिंग मैं बोलती हूँ उसमें इंडस्ट्री जो हमारी मिनिस्ट्री रहती है सो तो उसको जैसे मर्जी हमें याद रखना है कि रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज में स्ट्रीट वेंडर्स का काम जो है वो चलता रहे इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने पी एम स्वानिधि जो स्कीम है उसको इंप्लीमेंट किया था करेक्ट अब जो बात कर रहे हैं श्रेस स्कीम की श्रेस की फुल फॉर्म देख लेते हैं ठीक so, है एजुकेशनल जस्टिस एंड इंपावरमेंट जो है इंप्लीमेंट करती है? है, है, है इसमें चार कंपोनेंट्स आ जाते हैं टॉप क्लास एजुकेशन फॉर द एस राइट फ्री कोचिंग स्कीम फॉर द एस एंड ओबीसीज नेशनल ओवरसी नेशनल फेलोशिप ठीक है तो फ्री कोचिंग जो है ये तो जैसे टारगेट करती है कि बियॉन्ड ट्वेल्थ जो है बच्चे स्टडी करना चाहते हैं ठीक है थीके? तो उसके लिए एक रेशो मेंटेन की जाती है एस एंड ओ में उनको अलॉट किया जाता है टू डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स उनको फ्री एजुकेशन दी जाती है ठीक है उसके बाद इस स्कीम में ठीक है जो है एक इनकम का वो बोलते हैं हम कि एक हायर सीलिंग रहती है ठीक है जो भी स्टूडेंट फ्री कोचिंग लेना चाहते हैं तो हायर सीलिंग ऑफ इनकम कितनी है इसके अंदर एट लाख है ठीक है उसके बाद नेशनल फेलोशिप फॉर एस जो है इसमें यूजीसी जो है इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी रहती है ठीक है और फेलोशिप पी एच की स्टडीज के लिए प्रमोट करते हैं नेशनल ओवरसीज स्कीम जो है टू द एससीज एंड राइट इसमें क्या है अगेन जो ओवरसीज जाके अपनी पी मास्टर्स कंप्लीट करना चाहते हैं उनको फ्री स्टडीज़ के लिए गवर्नमेंट जो हेल्प करती है ऐसे टॉप क्लास एजुकेशन फॉर एस राइट तो ये चारों ही जो है ये चारों ही सेंट्रल सेक्टर स्कीम है है ये चारों की चारों क्या है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है टारगेट क्या रहता है एजुकेशनल इंपावरमेंट ऑफ दी सी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स बाय द वे ऑफ अवॉर्डिंग राइट तो ये जो स्कीम है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको भी आपने देख के जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट ठीक है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है सो so, देखिए अगेन एक्सरसाइज की बात होगी हमारी ठीक है एक्सरसाइजेज जो होती हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं जब भी मैं इनकी बात करती हूँ तो मैं बोलती हूँ सबसे पहले देखिए डोमेन कौन से डोमेन की है क्या वो नेवल नेचर की है क्या वो मिलिट्री नेचर है या फिर वो एयरफेस नेचर की है उसके बाद इसकी पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज कौन कौन सी हैं मतलब कौन कौन से नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या वो बाइलेटरल है ट्राई है, है या फिर मल्टीलेटरल दो देशों के बीच में है तीन या फिर तीन से भी ज़्यादा ठीक है तो हमारी जो अब एक्सरसाइज हम देखेंगे वो है एक्सरसाइज हरी शक्ति

पहली स्टेटमेंट ये बोल रही है कि इंडिया एंड बांग्लादेश करते हैं राइट सो है? है? इनमें तो तो so, इन से कौन सी करे... अगर करेक्ट है मैं आपको बताऊँ सो आंसर वुड वी बी दैट इज टू ओनली जो है वो करेक्ट है जो एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज है ये इंडिया एंड मलेशियन जो है आर्मी ने की थी ठीक है दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है हमारी इसके साथ साथ इंडिया बांग्लादेश यहाँ पे क्यों लिखा तो अक्टूबर में ही संप्रति एक्सरसाइज जो एक बहुत पुरानी हम एक्सरसाइज बोल सकते हैं इंडिया बांग्लादेश करते हैं ये एक्सरसाइज भी कंक्लूड हुई थी ठीक है सो संप्रति एक्सरसाइज इंडिया बांग्लादेश की होती है हरिमाऊ एक्सरसाइज जो है हरिमाऊ शक्ति है ये इंडिया और मलेशिया की जो है दोनों आर्मीज ने कंक्लूड की थी रिसेंटली ठीक है जी सो आंसर क्या हो गया इसका बी ये देखिए ठीक है so, सो अगर इमेज कभी कभी हेल्प करती है ठीक है सो इंडिया मलेशियन ज्वाइंट एक्सरसाइज ठीक है हरिमाऊ शक्ति 2023 इंडिया में ही ये जो है अभी कंक्लूड हुई थी ठीक है कहाँ पे हुई थी उमरोई कैंटोनमेंट इंडिया मेघालय में ठीक है उमरोई जो कैंटोनमेंट है ये हमारा मेघालय में है वहाँ पे हुई थी राइट और इसका जो एम है ठीक है क्या बोला जा रहा है मल्टी डोमेन है मतलब कि ट्रेनिंग हुई डिफेंस लेवल का जो कॉपरेशन देखी जाती है ठीक है सो एक डोमेन में नहीं वो ट्रेनिंग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ द पे डिफेंस कऑपरेशन बिटवीन इंडिया आर्मी मलेशियन आर्मी और इसके साथ साथ बाइलेटरल रिलेशंस को भी जो है ये इनहस करती है ऐसी एक्सरसाइजेस ठीक है इंट्रोपरेबिलिटी होती है मतलब इन द सर्कमस्टांस ऑफ एनी अर्जेंसी इमरजेंसी कोई डेंजरस सिचुएशन है तो दो नेशन मिलकर जो है एक्सरसाइज पहले ही वो ट्रेंड है कि वो ऐसी सिचुएशन में मिलकर जो है कोई ऑपरेशन कंडक्ट कर लेंगे राइट तो बाइलेटरल रिलेशन भी इम्प्रूव होते हैं क्लियर है सो so, एक्सरसाइज याद रहेगी हरिमाओ शक्ति इंडिया एंड मलेशिया के बीच में होती है ठीक है एंड जो हमारी संप्रीति एक्सरसाइज है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच राइट right? दोनों ही अक्टूबर में कंक्लूड हुई थी नेक्स्ट देखिए मत्स्य 6000 रिसेंटली सीन इज न्यूज इज अ ठीक है सो मत्स्य सिक्स क्या है जिसको हमने अभी न्यूज में देखा था ठीक है मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है एक इंडिजिजनियसली डेवलप्ड एंटी टैंक माइंस है ठीक है उसके बाद डोमेस्टिकली डेवलप्ड सबमरसाइल है या फिर आर्मर्ड रिकवरी वहीकल है ठीक है सो so क्या है हम देख रहे हैं साइंटिफिक डेवलपमेंट हमने बहुत कर ली है इसरो ने इतनी अच्छी जो है डेवलपमेंट कर रहा है गगनयान की फील्ड में कर रहे हैं राइट सो so, ये भी हमारी एक इंडिया की इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट है मथ से सिक्स जो है वो रिलेटेड है डोमेस्टिकली डेवलप्ड सबमर्सिबल से ठीक है तो मैंने गगनयान की बात की ठीक है जिसमें हम क्या प्लान कर रहे हैं कि हम ह्यूमन भेजेंगे स्पेस में ठीक है ऐसे ही हम एक और जो है प्रोजेक्ट है दैट इज समुद्रयान ठीक है so, सो समुन्द्रयान जो है एक इंडिया का हम बोल सकते हैं काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है इसमें क्या टारगेट है सेंडिंग थ्री पीपल मीटर अंडर वाटर राइट इन अ डोमेस्टिकली डेवलप्ड सबमर्सिबल सबमर्सिबल और वो जो है उसका नेम क्या है राइट right? तो क्या है कि हम जो है ठीक है अगर ओशन में नीचे जाते रहते हैं ना ठीक है ज्योग्राफी में हम देखते हैं कि प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है एंड इतना प्रेशर जो है वो हम ह्यूमन uh, हम ह्यूमन जो अभी इस एनवायरमेंट में रह रहे हैं क्या हो रहा है हमारे साथ इज टू द एनवायरमेंट जितना प्रेशर बाहर से आ रहा है हमारी बॉडी भी उतना एग्जर्ट है सो इक्विलिब्रियम स्टेट है अंडर वाटर क्या हो जाएगा बाहर से इतना प्रेशर आएगा कि हमारी ब्लड वेसल जो है वो क्या है बस्ट कर जाएंगी राइट right? सो so, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ सबमर्सिबल्स बनाने पड़ेंगे तभी हम समुद्र के तल पे जाके क्या है एक्सप्लोरेशन कर पाएंगे रेयर मिनरल्स देख पाएंगे एंड इंडिया के पास एक बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है उसमें कितने सारे मिनरल्स हो सकते हैं तो उन सबको एक्सप्लोर करने के लिए ये मत से जो है सिक्स थाउजेंड हमें हेल्प करेगा ये इंडिया

ठीक है, करेक्ट या इनकरेक्ट? सबसे पहले हमें ये देखना है ठीक so, है जी फर्स्ट स्टेटमेंट है एच डिजास्टर रिलीफ जो एक्सरसाइज है ठीक है एनुअल ठीक है इसकी भी अगेन शॉर्ट फॉर्म क्या हुई एनुअल ज्वाइंट ह्यूमेनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज क्लियर ए जी एच ई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री या फिर सिंपली नेम अगर दे दे तो चक्रवात

करेक्ट ठीक है सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है ठीक है ये इंडिया इंडिया की 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 ही की जाने वाली मल्टी डोमेन एक्सरसाइज है India के डिफरेंट जो हम बोलते हैं रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन एनडीआरएफ होते हैं ठीक है ये सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं राइट बट इस बार की एक्सरसाइज क्या है इस बार की एक्सरसाइज में एट कंट्रीज फ्रॉम द इंडियन ओशन रीजन है एक्सरसाइज ठीक है एक बार नेम देख लेते हैं मालदीव्स, मालदीव मोरिशियस मोजम्बिकलि श्रीलंका तंजानिया ठीक है एक मेंबर थी ये भी राइट तो ये जो नेशंस हैं, इन्होंने चक्रवात 2023 में पार्टिसिपेट किया था अब एक्सरसाइज को थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो एनअल ज्वाइंट असिस्टेंस एंड द डिजास्टर रिलीफ 2023 एक्सरसाइज या फिर सिंपली चक्रवात जो है ठीक है ये जो एक्सरसाइज है ठीक एक है एक मल्टी एजेंसी एंड है मतलब कि डिफरेंट एजेंसीज काम करती हैं इसमें थ्री सर्विसेज दैट इज पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ साथ ठीक है सारी ही सर्विसेज आ जाती हैं हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स पैरामिलिट्री कुछ डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम्स हमारी होती हैं एनजीओ होती हैं अकेडमिक इंस्टीट्यूशन होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं सभी ही पार्टिसिपेट करते हैं इस बार इसका जो लोगो था इट हैज़ डिजाइन इन अ वे राइट आई ट्राइड ठीक है मे बी आपकी इमेज जो रह गई है ठीक है एक सर्कल के अंदर जो है है ठीक डिफरेंट नेशंस के फ्लैग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है डिफरेंट एन या फिर जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है सबको रिप्रेजेंट करता है एक बार जाके आप इसका लोगो देख लीजिए चक्रवात ट्वेंटी का तो थोड़ा सा चीज ध्यान में ज्यादा रहती है हमें ठीक है so, तो ये जो है हमने अपनी एक्सरसाइज देख ली एंड द एक्सरसाइज हैज बीन कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी नेवी एंड एयर फोर्स इन द रोटेशन सिंस 2016 मतलब एक बार इंडियन एयर फोर्स होस्ट करेगी एक बार इंडियन आर्मी होस्ट करेगी एक बार जो है इंडियन नेवी होस्ट करेगी इस बार जो है गोवा में किसने होस्ट की थी इंडियन नेवी ने लास्ट जो है वो होस्ट किसने की थी आगरा में इंडियन एयरफोर्स ने क्लियर तो इस तरह से ये जो चक्रवात एक्सरसाइज है हमें ये भी याद रखनी है ठीक है थ्री एक्सरसाइज देख ली चक्रवात हमने देख ली थी संप्रति देख ली थी एंड हरिमाऊ शक्ति हरिमाऊ शक्ति इंडिया मलेशिया संप्रति एक्स इंडिया बांग्लादेश एंड जो ये हमारी चक्रवात है ये एक डिजास्टर रिलीफ है इंडिया की मल्टी डोमेन एक्सरसाइज क्लियर है तो ये इस एक्सरसाइज के बारे में हम याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, ठीक है, तो है नाइन क्वेश्चन हमारे सामने, फॉलोइंग फॉलिंग एरिया जल जीवन मिशन ठीक है तो जल जीवन मिशन का की एरियाज कौन कौन से हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ठीक है आई होप जल जीवन मिशन को आप देख के चल रहे हैं अगर नहीं देख रहे हैं तो जरूर देखिए ठीक है दिवाली पे भी इस पे एक स्पेशल जो कैंपेन है जल दिवाली नाम का ठीक है वुमेन को करने के लिए कि वेस्ट वाटर को कैसे ट्रीट करने है, है? उसके रिगार्डिंग एक कैंपेन भी जो लॉन्च किया गया था राइट तो जल जीवन मिशन भी बहुत, बहुत बार हमारा न्यूज में रहता है सो तो उसके रिगार्डिंग हम अपना जो क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है कि आ, कौन सी स्टेटमेंट इनमें इन से आ, या कौन कौन से एरिया जो है कवर किए जाते हैं जल जीवन मिशन के अंडर फर्स्ट लिटी ऑफ द एग्जिटिंग राइट सेकेंड वाटर क्वालिटीबल एग्रीकल्चर सी ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज ऑग्यूमेंटेशन या ग्रे वॉटर ट्रीटमेंट एंड इट्स रियूज ठीक है तो स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या बोल रही है फर्स्ट में कि जो भी सप्लाई सिस्टम है हमारे भारत में भारत में हम बोलेंगे कि जो भी जल ठीक है प्रणाली के जो सिस्टम्स हैं वो फंक्शनैलिटी वो वर्क कर रहे हों ये इंश्योर करना है ठीक है और जो वाटर कनेक्शंस हैं वो भी सारे वर्क कर रहे हैं वो आ, क्या है वो एक्यूरेट हैं वो ठीक हैं टूटे फूटे नहीं हैं ठीक है ऐसे नहीं है कि लीकेजेस हैं सबसे पहले इंश्योर करना है कि जो हमारा वाटर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है वो फंक्शनल है वो वर्क कर रहा है वो ठीक है राइट सेकेंड वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग टेस्टिंग और सस्टेनेबल तो ये देखना कि जो वाटर लेवल जो वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है वो क्वालिटी का है मतलब वो ड्रिंकिंग के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं उसका टेस्ट करना और एग्रीकल्चर जो है वो सस्टेनेबली वाटर को यूज कर रहा है ठीक है ड्रिंकिंग वाटर सोर्स ऑग्यूमेंटेशन की ड्रिंकिंग वाटर के जो सोर्सेज हैं उनको और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है एंड ग्रे वाटर जो हम बोल सकते हैं वेस्ट वाटर कहीं होता है उसको क्या है ट्रीट करना है एंड रिड्यूज करना है तो कौन सा कॉम्पोनेंट है वन ओनली टू ओनली थ्री या फिर ऑल फोर सो आंसर वुड बी डी ऑल फोर आर द कॉम्पोनेट्स ऑफ द जल जीवन मिशन ठीक है जी सो so, जल जीवन मिशन को देख लेते हैं 2019 में ये लॉन्च किया गया था मेन एम क्या है ये इन विजन ये इमेजिन uh, करता है या इसका विजन क्या है ठीक है मेन एम क्या है 55 लीटर ऑफ वाटर जो है वो सप्लाई करना पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड ठीक है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें 55 लीटर जो है वो पहुंचे थ्रू द फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाय 2024 ठीक है सो so, फर्स्ट जो हमने कॉम्पोनेंट देखा था कि फंक्शनैलिटी वो जो है इस एम में कवर हो गया क्लियर कि हर एक ग्रामीण क्षेत्र में हर एक जो व्यक्ति रह रहा है उस तक फिफ्टी लीटर जो है पानी पहुंचे ट्वेंटी तक थ्रू टैप्स क्लियर नेक्स्ट uh, ये लुक करता है एक जन आंदोलन फॉर वाटर ठीक है जन आंदोलन क्रिएट करना है जिसमें हर एक पर्सन प्रायोरिटी है हमने क्या बोला कि रूलर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हर एक व्यक्ति तक 55 लीटर पानी पहुंचे तो जन आंदोलन है हम मास तक पहुंचना चाहते हैं ठीक है जी ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है तो जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है इसकी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी है मिशन में इंश्योर क्या किया जा रहा है फंक्शनैलिटी ऑफ द एक्सिस्टेंस सिस्टम राइट वाटर कनेक्शंस वाटर क्वालिटी को मोनिटर करना टेस्ट करना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को और बढ़ावा देना राइट एंड इट ऑल्सो इंश्योर करता है कि जो वाटर है ठीक है उसका कंजक्टिव यूज़ हो उसका सोच समझ के यूज़ हो ड्रिंकिंग वाटर सोर्स जो है और उनको इंप्रूव किया जाए ऑक्यूमेंट किया जाए सप्लाई सिस्टम देखना ग्रे वाटर को ट्रीट करना और उसका डी यूज़ करना क्लियर सो so ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं एंड ये जो स्कीम है या ये जो मिशन है ये भी काफ़ी नेज़ में रहता है तो इसको भी ज़रूर आप रिवाइज़ कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टेंथ क्वेश्चन है हमारा रिसेंटली ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैंपेन कॉल्ड द अमृत वृक्ष आंदोलन एम्ड एट इंक्रीजिंग द ग्रीन कवर बाय प्लांटिंग करोड़ प्राइमरी ऑफ द कमर्शियल ट्रीज तो पूछा गया है कि रिसेंटली इनमें से कौन सी स्टेट ने एक कैंपेन जिसका नाम क्या है अमृत वृक्ष आंदोलन जो है ये लॉन्च किया था जिसमें एक करोड़ जो है ठीक है प्लांट्स जो पौधे हैं उनके सैपलिंग्स ठीक है छोटे छोटे छोड़ पौधे लगाए जाएंगे तो गुजरात उत्तर प्रदेश असम या फिर हरियाणा ठीक है so, सो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि चाहे हमारा एच का एग्जाम है अगर ऑप्शन में हरियाणा आ जाए तो जरूरी नहीं है कि हरियाणा ही करेक्ट है ठीक है क्योंकि इस करेक्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है हमारा असम ठीक है असम जो असम जो है वो करेक्ट आंसर है ये असम का ही जो है प्रोजेक्ट जो ये हम बोल सकते हैं एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव दैट इज द अमृत वृक्ष आंदोलन था ठीक है तो हरियाणा ऑप्शन में देख के ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट होके टिक नहीं लगा देना है ठीक है सो इस थोड़े से प्रोजेक्ट की भी हम देख लेते हैं so, जून में लॉन्च किया गया था ये ठीक है असम गवर्नमेंट का है ग्रीन कवर को बढ़ाएगा ये ठीक है देखिए बात क्या हो रही है इसमें एक करोड़ जो पौधे हैं वो लगाए जाएंगे ठीक है तो क्या है इसमें स्टेट इंसेंटिव भी दे रहा है पौधे लगाएंगे तो हंड्रेड रुपीज मिलेगा तीन साल दो साल तक अगर आप उसकी केयर करेंगे वो प्लांट सरवाइव करेगा तो अगेन टू हंड्रेड जो है वो कैश इंसेंटिव दिया जाएगा राइट सॉरी सो कैश इंसेंटिव को थ्रू जो है वन करोड़ जो है प्लांट सेपलिंग लगाने का जो मिशन है अमृत वृक्ष आंदोलन के तहत ये असम गवर्नमेंट का एक नोबल प्रोजेक्ट है ठीक है हमने क्या कर दिया कहीं ना कहीं युवाओं को किसकी तरफ ले गए कि प्लांट्स लगाइए उसके लिए छोटा सा क्या दे दिया एक कैश इंसेंटिव दे दिया मींस अगर आप प्लांट्स लगा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट भी आपको इनकर नहीं करनी पड़ रही आप जोस्ट तो जो है एक सोसाइटी की तरफ ठीक है नेचर सोसाइटी से भी ज्यादा मैं बोलूंगी नेचर की तरफ ठीक है आप जो है अपना छोटा सा योगदान दे सकते हैं विदाउट इनकरिंग अ जीरो कॉस्ट है ना क्योंकि गवर्नमेंट आपको उसके पैसे रिफंड कर देगी ठीक है सो द कैंपन इज सेट आउट टूव अचीव नाइन वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर ये सक्सेसफुल होता है तो नाइन वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएंगे राइट right? सो so, ये जो हमने हैं असम गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट जो है प्रोजेक्ट uh, देख लिया है एंड असम गवर्नमेंट क्या है uh, ये एट करोड़ सेपलिंग दो हजार चौबीस एंड दस करोड़ जो है दो हजार पच्चीस तक इसके अंदर लगाना चाहती है ठीक है जी सो so, ये काफी इंपॉर्टेंट जो है हमारा क्वेश्चन था एंड आज के सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं अब मैं आपके साथ बात करना चाहूंगी हमारे एच सी के फास्ट ट्रैक बैच की जो ऑलरेडी हम जो है स्टार्ट कर चुके हैं काफी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं सो इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर द एच सी एस इन द लिमिटेड टाइम अभिमन न्यूज फास्ट ट्रैक जो कोर्स है इट विल रियली हेल्प यू राइट सो इसमें आपको ऑनलाइन क्लासेज मिल जाएंगी ऑफलाइन क्लासेज मिल जाएंगी रिकॉर्डेड क्लासेज होंगी आपकी 30 सेट की क्लासेस होंगी क्लियर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे पीडीएफ होंगे और मेंटरशिप मतलब कोई भी डाउट है तो आप अपने मेंटर से भी करेक्ट कर सकते हैं ठीक है जी और बाकी की जो डिटेल्स हैं इन ऑफलाइन एज वेल ऑफलाइन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस के लिए आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाके चेक कर सकते हैं एंड इस फास्ट ट्रैक बैच के साथ जुड़ के आप भी अपनी प्रिपरेशन को जो है वो टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं अभी कोर्स पे ऑफर्स भी चल रहे हैं विच यू कैन अवेल थ्रू कॉन्टैक्टिंग अभिमेन्यू आई एस ऑन द लिंक्स गिवन बिलो राइट एंड अगेन इफ यू लाइक द सेशन इफ यू लर्न समथिंग इंपॉर्टेंट टू डू लाइक एंड शेयर द सेशन ठीक है एंड ऐसे ही अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए एंड हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए अभ्यास के साथ अभिमन्यू आई एस के साथ जुड़े रहिए थैंक यू सो मच की प्लानिंग एंड सी इन द नेक्स्ट सेशन